नमस्कार दोस्तों, जब भी आपकी अक्कलदाढ़ आपको बार बार परेशान करने लगती है या सामने वाले दांत को खराब करने लगती है तो आपके डॉक्टर आपको इस अक्कलदाढ़ को निकलवाने की सलाह देते हैं। और ऐसे में आपके सामने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि अक्कलदाढ़ को सर्जरी करके निकलवाएं या बिना सर्जरी के, क्योंकि सर्जरी करा के निकलवाने में पैसा और समय दोनों ही ज्यादा लगता है। साथ ही साथ में आपको ये भी लगता है कि सर्जरी कराने से और अक्कलदाढ़ निकलवाने से आपको कुछ परेशानी या कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि अपनी अक्कलदाढ़ निकलवा रहे हैं तो उसको सर्जरी करा के निकलवाएं या बिना सर्जरी के निकलवाएं, और साथ ही साथ में अक्कलदाढ़ निकलवाने के बाद में क्या परेशानियां आ सकती हैं और आप इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। दोस्तों, जब भी आप अपनी अक्कलदाढ़ को अपना मुंह खोल के देखते हैं तो आपके मुंह में उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, परंतु मसूड़े के अंदर से कहानी कुछ और ही होती है। नीचे की अक्कलदाढ़ चारों तरफ से मोटी और बहुत ही सख्त हड्डी से घिरी होती है और इसकी जड़ें भी लंबी, तिरछी और काफी अंदर तक होती है, और कई केसेस में तो ये जबड़े की मेन नस को भी टच करती हुई रहती है। कई केसेस में जब अक्कलदाढ़ की पोजिशन और उसकी जड़ों का साइज वगैरह नॉर्मल हो तो वो हल्का प्रेशर देने से ही बाहर आ जाती है, और ऐसे केस में सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु बहुत से केसेस में अक्कलदाढ़ या तो सीधी नहीं आती है, आड़ी तिरछी आती है और उसके आसपास की हड्डी काफी सख्त होती है और जड़ें भी आड़ी तिरछी होती हैं, और ऐसे केस में हल्का प्रेशर देने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आती है। तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो प्रेशर बढ़ा के अक्कलदाढ़ को निकालने की कोशिश करे और या फिर सर्जरी करके मसूड़े को ओपन करके अक्कलदाढ़ को निकालने की कोशिश करें। यदि डॉक्टर प्रेशर बढ़ाते हैं तो यह प्रेशर मेनली तीन जगहों पर ट्रांसफर होता है। एक तो क्योंकि दांत पे प्रेशर लगा के निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो दांत पे तो यह प्रेशर लगेगा ही लगेगा, दूसरा आसपास की हड्डी में भी यह प्रेशर ट्रांसफर होता है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जबड़े के ज्वाइंट में, मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट यानी कि TMJ में भी यह प्रेशर ट्रांसफर होता है। अब यदि डॉक्टर प्रेशर को बढ़ा के अक्कलदाढ़ निकालने की कोशिश करते हैं तो इससे तीनों ही जगहों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगर दांत पे एक्सेस प्रेशर लगेगा तो हो सकता है कि अक्कलदाढ़ टूट जाए और जड़ अंदर रह जाए, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। दूसरा, यदि एक्सेसिव प्रेशर लगेगा तो जबड़े की हड्डी में क्रैक भी आ सकता है, और तीसरा एक्सेसिव प्रेशर के कारण जबड़े के ज्वाइंट में भी दुष्प्रभाव आता है, जिसके कारण आपको लंबे समय में ज्वाइंट में पेन या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक्सेसिव प्रेशर से ये तीनों ही जगहों पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये होता है कि हम प्रेशर को कम से कम इस्तेमाल करें। उसके लिए जरूरी ये होता है कि मसूड़े को ओपन करके आसपास की मोटी हड्डी को थोड़ा ट्रिम करें। अक्कलदाढ़ की जड़ें यदि तिरछी हैं तो उनको डिवाइड करके निकालें, ताकि हमको कम से कम प्रेशर इस्तेमाल करना पड़े। और इसी के लिए, मतलब कम प्रेशर को इस्तेमाल करने के लिए और आसपास कम से कम चोट पहुंचाने के लिए सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम मसूड़े को ओपन करके हड्डी को ट्रिम और दांतों की जड़ों को डिवाइड कर सकें। तो यदि आपकी अक्कलदाढ़ को निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उससे बहुत बेटर होता है कि सर्जरी करके थोड़ा ज्यादा समय लगा के अक्कलदाढ़ को धीरे धीरे प्यार से निकाला जाए, ताकि आगे चल के आपको इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कतों से बचाया जा सके। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके सामने एक रास्ता खराब है लेकिन वो छोटा रास्ता है, और दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है लेकिन वो लंबा रास्ता है। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको छोटे और खराब रास्ते पे चलना है जिससे गाड़ी के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, या फिर लंबे और सही रास्ते पे जाना है जिसमें थोड़ा समय तो ज्यादा लगेगा, फ्यूल भी ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन आपकी गाड़ी और आप सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं कि अक्कलदाढ़ को यदि आप निकलवाते हैं तो उसके साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहला होता है ड्राई सॉकेट, यानी कि जहां से दांत निकला है उस जगह की हड्डी में इन्फेक्शन होना। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि ठीक से इंस्ट्रक्शंस का फॉलो ना होना, सिगरेट तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल किया जाना, या फिर दांत निकालते समय ज्यादा चोट पहुंचना। इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके ड्रेसिंग वगैरह करवानी पड़ती है, जिससे ये कंडीशन 12-15 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है नर्व डैमेज होना। यदि आपकी अक्कलदाढ़ की जड़ जबड़े की मेन नस को टच करती हुई रहती है तो कई केसेस में इस नस पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे कि आपको
हो सकता है टेम्पररी तौर पर या फिर परमानेंट तौर पर होठों में या जबड़े में सुन्नपन का एहसास रहे या झुंझुनी टाइप की होती रहे। इससे बचने के लिए जरूरी यह है कि अक्कल दाढ़ को थोड़ा संभल के निकाला जाए, लेकिन कई केसेस में इंजरी को प्रिवेंट करना मुश्किल होता है और आप इस बारे में अपने डेंटिस्ट से पूरी तरह डिस्कस करके ही अक्कल दाढ़ को निकलवाएं। तीसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, यानी कि जबड़े की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि अक्कल दाढ़ निकलवाते समय बहुत ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है तो जबड़े की हड्डी भी फ्रैक्चर हो सकती है, हालांकि ये बहुत कम केसेस में होता है। और यदि ऐसा हो गया है तो फिर आपको इसके लिए आर्च बार फिक्सेशन या फिर बोन प्लेट वगैरह लगवाना पड़ सकता है, और इससे बचने का तरीका यही है कि एक्सेसिव प्रेशर ना लगाया जाए। चौथी कॉम्प्लिकेशन होती है रूट एंकाइलोसिस, यानी कि जो अक्कल दाढ़ होती है वो कई जगहों पर हड्डी के साथ में फ्यूज हो जाती है, तो ऐसे केस में अक्कल दाढ़ पूरी निकल ही नहीं पाती है। यदि जड़ का कोई पार्ट हड्डी से चिपक जाता है, जिसको कि एंकाइलोसिस कहते हैं, तो ऐसे केस में अक्कल दाढ़ का ऊपरी भाग अलग कर दिया जाता है और जिस जगह से एंकाइलोज्ड है जड़, उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है यदि जड़ के नीचे इन्फेक्शन नहीं हो तो। इसको अननेसेसरी ज्यादा प्रेशर या ज्यादा समय देके निकालने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि इससे डैमेज और चोट ज्यादा पहुंचती है। पांचवी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिस्प्लेसमेंट इन स्पेसेस, मतलब कि आपने अक्कल दाढ़ को निकाला है, उसकी जड़ को डिवाइड करके निकाला है और कोई टुकड़ा जबड़े के आसपास की जगहों में कहीं पे शिफ्ट हो गया है। इससे कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसको प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि आप अच्छे स्किल्ड डॉक्टर से ही अक्कल दाढ़ को निकलवाएं। छठवीं कॉम्प्लिकेशन होती है फ्रैक्चर ऑफ टूथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि अक्कल दाढ़ निकलवाते समय ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अक्कल दाढ़ ऊपर से बहुत ज्यादा खराब होती है और आप उसको बहुत समय से मुंह में रख के सड़ाते रहते हैं और ऊपर से अक्कल दाढ़ कमजोर हो जाती है, तो इन दोनों ही केसेस में अक्कल दाढ़ के ऊपर से टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ऊपर से दांत टूट जाता है और जड़ अंदर रह जाती है और फिर इस जड़ को निकालने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि किन्हीं केसेस में जिसमें इन्फेक्शन ज्यादा नहीं है जड़ के आसपास, उसमें इस जड़ के टूटे हुए टुकड़े को अंदर ही छोड़ दिया जाए, और ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। सातवीं कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मुंह का कम खुलना। दोस्तों, कई केसेस में जब नीचे की अक्कल दाढ़ को सर्जरी करके निकाला जाता है तो इसके बाद में कुछ दिन तक आपको मुंह खोलने या गटकने में भी कुछ समय तक परेशानियां हो सकती हैं। यदि आपको ऐसा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह लिखवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपको इसमें आराम आए। लेकिन इसमें पैनिक करने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो 15 से 20 दिन में सही हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप अक्कल दाढ़ निकलवा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। दोस्तों, इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, यदि आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, परंतु यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि अक्कल दाढ़ निकलवाने के बाद में आपको नॉर्मल दांत निकलवाने की तुलना में ज्यादा सावधानियां और ज्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप सिगरेट, तंबाकू, गुटखा वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि आप सोच रहे हैं कि आप यहां से गुटखा खाएंगे या सिगरेट पियेंगे, इधर नहीं जाएगा, मतलब जख्म की तरफ नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल ना करें और अपने लिए परेशानियां बिल्कुल ना बढ़ाएं। दूसरा, जख्म की केयर करें। यदि आपको टांके लगाए गए हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर इन टांकों को निकलवाने समय पे जाएं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको 2 दिन ब्रश करने के लिए वहां पे मना किया है तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप एक आध हफ्ते तक वहां पे ब्रश नहीं कर रहे। यदि 2 दिन के लिए मना किया है तो 2 ही दिन ना करें, लेकिन उसके बाद से ब्रश करना तुरंत शुरू करें, क्योंकि जितनी गंदगी आप उस एरिया में जमा होने देंगे उतना बैक्टीरिया भी वहां पे पनपेंगे और आपके लिए इन्फेक्शन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो वहां पे साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।